इंग्लिश हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजमधील फी वाढीवरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी फी कमी करण्याची मागणी करणाऱ्या मनसे कार्यकर्त्यांनी शाळेच्या आवारात धडक दिली आणि आवारात उपस्थित असलेल्या खिडक्यांच्या काचा आणि इतर साहित्याची मोडतोड केली. शाळेच्या नावाची पाटीही त्यांनी रंगवली. शाळेने कोणतीही पूर्वसूचना न देता जूनपासून 3 वेळा काही शुल्कात वाढ केल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी केली होती. शाळा प्रशासनाने चालू शैक्षणिक वर्षात इयत्ता 1 ते 4 पर्यंतची फी 10,000 रुपयांवरून 20,000 रुपये आणि विना अनुदानित वर्गात येणाऱ्या इयत्ता 5वीपासून 4,500 रुपये केली आहे. याकडे मनसे कार्यकर्त्यांनी लक्ष वेधले. याच शाळेचे सीईओ प्रकाश गुरुनाणी आणि ॲडव्होकेट छोटू पंथालिया यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की आम्ही फी वाढवली आहे पण आधुनिक शिक्षणासाठी वापरण्यात येणारी उपकरणे मुलांना देण्यात यावीत, त्यामुळे आम्ही त्यांना शाळेचा ड्रेस, शूज आणि इतर गोष्टी देत आहोत. त्यांना शाळेतून घेण्यास स्वारस्य नाही. त्यांना आम्ही बाहेरून खरेदी करण्यास सांगितले असून आम्ही त्यांच्यावर दबाव आणत नाही. मात्र काही पालकांचा गैरसमज होऊन त्यांनी राजकीय पक्षांचा आधार घेतला. कल्याणपूर्वचे आमदार गणपत गायकवाड यांनी शाळेला भेट दिल्यानंतर पालकांनी त्यांच्याकडे मदतीसाठी संपर्क साधला. गेल्या 1 महिन्यापासून भाजपचे कार्यकर्ते शाळेसमोर आंदोलन करत असून आता उल्हासनगर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी तोडफोड केली. त्या विषयात पत्रकार परिषद घेतली होती. प्रतिनिधी कृष्णा महाले, CNI महाराष्ट्र न्यूज, उल्हासनगर, ठाणे. गया सम्मानित लोग हैं, आज मीडिया है तो पूरा देश उसके ऊपर चलता है और कुछ बातें हुई, जैसे कल जो ये तोड़फोड़ हुई और आज मीडिया को बुलाया गया. ये बातचीत जो है हमारी हल हो रही थी, बातचीत चल रही थी और उसको सुलटाया सुझाया जा रहा था, किया जा रहा करेक्ट. उसके बीच में बच्चे आ रहे थे, पेरेंट्स सब आ रहे थे और हम धीरे धीरे उस बात को पीछे जो है कंप्लीट करना चाहते थे, पर कल जो ये घटना हुई उसके लिए हमें बहुत अपने उल्लासनगर को भी शर्मिंदगी महसूस हुई. उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं हम भी गलत हैं, उनके भी पेरेंट, वो भी उनके भी बच्चे हमारे पास हैं. तो मैं आज ये कहना चाहूँगा कि आप अगर कल ये घटना ना होती, अगर होती तो भी आप लोग हमारे पास आते कि सर ये घटना क्यों घटी. जैसे आपने बोला कि आज हम लोग आए हैं शायद उसकी वजह से आपने बोला, ऐसा नहीं है. अगर कल कहीं पे भी समाज में देखिए रोड पे खड्डा होता है तो आप कॉर्पोरेशन में कमिश्नर के पास जाते हैं, कुछ घटना घटती है या कोई इलेक्ट्रिक से करंट से लग जाता है तो आप लोग जाते हैं. तो कल जो घटना हुई उसको हमको देखते हुए हमारे बच्चों का हमें जो प्रॉब्लम आएगा अगर किसी को लग जाता था, अगर बीच में जो घटना हुई हमारे टीचर्स जो हैं किसी बच्चे द्वारा हर्ट होती है, मैं तो दिखाऊँगा कि वो मेंटली हर्ट भी हो चुकी हैं और एक टीचर के ऊपर जो FIR दाखिल हुई सर भी बताएंगे, वो बच्ची जो है वो बहुत ही उसका मनोबल टूट चुका है, वो आना नहीं चाहती है. अगर आज देश का विकास करना है, बच्चों को एजुकेशन देना है तो कहीं ना कहीं हमें टीचर्स को भी रेस्पेक्ट देनी है, पेरेंट्स को भी. ऐसा नहीं है कि आके अपने 2 शब्द गलत बोलने हैं, उनको लगेगा कि टीचर्स हमारा भविष्य नहीं है, तो टीचर्स ही उनका भविष्य है. सेकेंड भविष्य जो है उनके माँ बाप हैं और उसके बाद में टीचर्स हैं, और हम टीचर्स होके आज 60 साल से हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से बच्चे आगे जा रहे हैं. और कल की घटना का मुझे भी बहुत खेद है कि बहुत ये हुआ, अगर बातचीत है हो रही है, एक से बातचीत हो रही है, अगर वो बातचीत कंप्लीट नहीं हुई है, अगर उसकी वजह से कुछ ऐसा होता है तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को देखकर कि ऐसा भी कभी उल्लासनगर में होगा. ये तो हमारे जब देश पर अटैक हुआ था, कसाब भी आया था, तो कहीं ना कहीं लोग बोल रहे थे शायद इनका भी हमारे किसी उससे होगा, गुट से जुड़े हुए होंगे. तो मैं इसका खेद ये निषेध करता हूँ, ये जो घटना है उसका मैं बहुत दुख से ये चाहता हूँ कि ये आगे ना हो. इस न्यू इंग्लिश के ऊपर को लेकर पिछले 1.25 महीने से आपके स्कूल के बाहर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. जो कल की घटना हुई आपको 1 महीने से ज़्यादा समय लग गया, सरकारों से बात करते हैं. आप जो बोल रहे हैं आज कॉरपोरेशन के बाहर भी आप लोग या हर जगह आपने देखा होगा कि गोल मैदान या बॉम्बे के जो हैं जहाँ पर 1-1 साल से अभी स्पोर्ट्स का हुआ था वहाँ पर 1-1 साल से बाहर बैठे हैं, पर उनको सुलझाया जा रहा है. आप अगर आप जो आपके साथ बातचीत होने के बाद भी अगर आप बैठना चाहेंगे तो हम तो रोक नहीं सकते हैं. आपके घर के सामने अगर कोई आके खड़ा हो जाता है, बैठता है, आपने उसको 10 बार बोला है, सब बातें हुई है, सुलझाने की कोशिश की गई है, तो अगर वो अगर आज ये नहीं है कल दूसरे भी आएंगे कि हमें भी चांस दो, वो भी आके 2 महीना बैठेंगे. हम कितने लोगों को हमारे अपना स्कूल का जो है
डिसिप्लिन उसको मेंटेन नहीं करें, बच्चों को नहीं पढ़ाएं और वही मुद्दे हम लेके सॉल्व करें। आज ये सब आप लोगों के सामने सॉल्व हो चुका है।